आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर। लेसन 18 है सिंपल फ्यूचर टेंस। मैंने आपको मतलब बताया था पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, हम इन तीनों के थ्रू ही टेंस, मतलब ये तीनों ही हमारे टेंस होते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, जैसे कि प्रेजेंट मतलब अभी जो चल रहा है, फ्यूचर मतलब आने वाला, और पास्ट मतलब जो बीत गया। तो आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, विल और शैल का यूज़ करते हैं। अब शैल का यूज़ कहाँ करते हैं, शैल का यूज़ हम हमेशा आई और वी के साथ ही करते हैं। आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज़ होता है, और विल का यूज़ हमेशा ही, सी, इट, डैट एंड अदर, मतलब आई और वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल का यूज़ होता है। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, मतलब इनके फॉर्मूलाज कुछ दे रखे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव का विल शैल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तीनों फॉर्मूला आप बस याद रखना, फिर आप कोई भी सेंटेंस उसको मतलब सेंटेंस मेकिंग कर सकते हो। द क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सिंपल फ्यूचर टेंस ऑफ द फ्यूचर फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे वर्ब दे रखे इनको, इनमें मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है सिंपल फ्यूचर फॉर्म्स के रूप में। द चाइल्ड विल लाफ एट द जोक, तो इसमें क्या हम शैल और विल का यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। द ट्रेन विल अराइव लेट, शी विल बुक टिकट्स फॉर मी, ही विल क्लोज द डोर एट 5:30, शी विल कंप्लीट हर वर्क, आई शैल रैप द गिफ्ट। तो इसमें क्या विल और शैल का यूज आप देख सकते हो, जैसे आई और वी के साथ शैल का यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म सब दे रखा है तो उसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला बताया था, सब्जेक्ट प्लस शैल विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही कम्स हियर, तो कम्स का ही हमारा वर्ब हुआ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसका क्या होगा, कम, तो ही विल कम हियर। शी रीड्स अ बुक, तो रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड, शी विल रीड अ प्ले। ही एक्ट्स इन फिल्म्स, ही विल एक्ट इन फिल्म्स, ये देख सकते हो इनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करके लिखा है। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट, मतलब इसमें दे रखा है नेगेटिव में चेंज करना है, इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो उसके हिसाब से। द बर्ड्स विल फीड देयर बेबीज, तो इसको नेगेटिव में, तो द बर्ड्स विल नॉट फीड देयर बेबीज। पीटर विल कम सून, तो पीटर विल नॉट कम सून। ही विल डिमांडेड हिज सैलरी, नेगेटिव में, ही विल नॉट डिमांड हिज सैलरी, तो ई डी डिमांड हिज सैलरी। माई मदर विल सर्व मी फूड, विल माई मदर सर्व मी फूड। आई शेल सेलेक्ट द राइट कैंडिडेट, शैल आई सेलेक्ट द राइट कैंडिडेट, इंटरोगेटिव में। ही विल ईट सैंडविचेस, विल ही ईट सैंडविचेस। शी विल ब्रिंग माई नोटबुक, विल शी ब्रिंग माई नोटबुक, क्वेश्चन मार्क। आई शेल गो टू स्कूल रेगुलरली, शैल आई गो टू स्कूल रेगुलरली। ये हमारा बुक एक्सरसाइज यही कंप्लीट होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।